everyone, welcome to my channel. Lemma. Lemma is a proven statement used for proving another statements. Lemma जो है पहले से ही एक proven statement होता है और हमें आगे कोई भी statements हमें प्रूव करना होता है तो हम lemma का यूज करते हैं. अब हम algorithm देखेंगे कि algorithm क्या होता है. Algorithm is a series of well-defined steps which provides a procedure of calculation repeated successfully on the result of the earlier step till the desired result is obtained. जैसे कि हम कोई भी question solve करते हैं तो उसमें एक किसी ना किसी procedure को हम follow करते हैं. Algorithm भी same वही होता है. हम उस procedure को step by step तब तक follow करेंगे जब तक हमें हमारा desired result ना मिल जाए. Now let's start chapter main topic Euclid's division lemma. Euclid division lemma. A और B हम suppose कर लेते हैं कि दो positive integers हैं तो उन दो positive integers के लिए unique integers होंगे Q and R और वो इस प्रकार होंगे कि वो इस equation को satisfy करेंगे A equals BQ plus R जहाँ पे R की value या तो 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी लेकिन B से छोटी होगी. इसको अब हम एक example से देखेंगे. A equals to BQ plus R ये lemma का statement है. तो हम इस क्या करते हैं, मान लेते हैं दो नंबर्स ले लेते हैं ए और बी, ठीक है 7 और 39 नंबर्स ले लेते हैं और जो नंबर ग्रेटर होता है वो ए हो जाता है. 39 नंबर है, ये नंबर बड़ा है, ए 39 हो जाएगा. स्मॉलर नंबर जो है 7 है वो बी हो जाएगा. अब हम इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेंगे रख के तो 39 जो होगा वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा और 7 डिवाइजर होगा. नॉर्मल डिवीजन कर देंगे, कोशेंट हमारे पास 5 आ गया, रिमाइंडर हमारे पास 4 आ गया. अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे. ए की जगह हम क्या रखेंगे 39, बी की जगह हमारा डिवाइजर क्या आ जाएगा 7 और कोशेंट क्यू हो जाएगा प्लस रिमाइंडर क्या बचा 4. ये स्टेटमेंट हो गया. तो हम देख रहे हैं कि 39 और 7 ए और बी जो दो नंबर्स हैं उनके लिए दो यूनिक नंबर्स आ रहे हैं 5 और 4. तो यही लेमा का स्टेटमेंट भी यही है कि ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होना चाहिए जहाँ पे ए और बी जो दो नंबर्स हैं उनके लिए दो यूनिक नंबर्स होने चाहिए क्यू एंड आर. वैसे ही हम कोई भी नंबर लेके अगर क्वेश्चन करते हैं तो सेम यही होगा. कोई भी नंबर लेके डिवाइड करेंगे तो सेम ऐसे ही होगा. Euclid division algorithm. If a and b are positive integers such that a equals bq plus r, then every common divisor of a plus, यहाँ पे a plus नहीं होगा, यहाँ a and b होगा, printing mistake हो गई है. Every common divisor of a and b is a common divisor of b and r and vice versa. जैसे कि क्या है, ये तो Euclid division lemma का statement है, a equals to bq plus r. तो जो a और b जो नंबर्स होंगे ना उनका जो कॉमन डिवाइज़र होगा वो b और r का भी कॉमन डिवाइज़र होगा, या हम ये कह लें b और r का जो कॉमन डिवाइज़र होगा वो a और b का भी कॉमन डिवाइज़र होगा. इसको हम एग्जांपल से देखते हैं. अब हम एग्जांपल से देखते हैं. हमने दो नंबर ले लिया 26 और 6. 26 ग्रेटर है, जो नंबर ग्रेटर होगा वो ए हो जाएगा, स्मॉलर नंबर 6 है वो बी हो जाएगा. अब हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देंगे तो हमें पता है डिविडेंड को हम ए की जगह रखते हैं, नॉर्मल डिवाइड करेंगे, ठीक है, और डिवाइजर जो होगा हमारा 6 होगा तो ये 4 टाइम्स में जाएगा इसलिए क्यू की जगह हमने 4 रखा है. 6 4 = 24 और रिमाइंडर हमारा 2 आ जाएगा. अब हमारा ए 26 है. अब हम ए का जो है हम डिवाइजर निकालेंगे. डिवाइजर क्या होता है, जो कम्प्लीटली नंबर को डिवाइड कर दे. तो 26 किस किस नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 1 से 2 से एंड 13 से, आप रफ में चेक कर सकते हो. 6 जो है कम्प्लीटली किस किस नंबर से डिविजिबल है, 1 से 2 से और 3 से. रिमाइंडर 0 आएगा इन नंबर से डिवाइड करने पे, इसके अलावा और किसी नंबर से 0 नहीं आएगा. अब हम इनका कॉमन डिवाइजर निकालेंगे. 26 और 6 का डिवाइजर 1 2 13 है और इसका 1 2 और 3 है. इनमें कॉमन क्या है, 1 और 2 है. तो हमारा इसका कॉमन डिवाइज़र क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. 1 को हम नेगलेक्ट करते हैं. अब हमारा R क्या है, 2 है. R का जो डिवाइज़र आएगा वो क्या आएगा, 1 और 2 आएगा, ठीक है. और B और R का कॉमन क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास B 1 2 3 है एंड R 1 और 2 है तो हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है.